ठीक है, हो गया। ओके, गुड मॉर्निंग टू ऑल। स्टार्ट करते हैं। हमने न्यूटन का जो है थर्ड लॉ जो है लिखा था, वहां पे स्टेटमेंट लिख लिया था सबने। क्या लिखा था स्टेटमेंट? कि अगर एक पिंड दूसरे पिंड पर बल लगाता है तो पिंड बी भी पिंड ए पर क्या लगेगा? बल लगाएगा। और कौन से दिशा में लगाएगा? विपरीत दिशा में। कल एक बंदूक की गोली वाला प्रश्न किया होगा हम, तो चलिए वो जो बंदूक की गोली वाला प्रश्न किया था उससे हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम प्रैक्टिकल लाइफ में किस प्रकार से काम करता है। ये देखिए साहब, समझते हैं। सिर्फ समझने के लिए हम लोग ये बात कर रहे हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि देखिए यहाँ पे जो है ये क्या है, बंदूक, और ये क्या है, गोली। आपने कल क्या देखा था कि बंदूक ने गोलियों पर बल आगे लगाया था, इसी तरीके से गोलियों ने बंदूक पर बल कहाँ लगाया था? पीछे। ये अगर क्रिया है तो ये क्या है? प्रतिक्रिया। क्रिया पहले होती है कि प्रतिक्रिया? साथ साथ होती, दोनों साथ साथ में होंगी और दोनों की दिशा क्या होगी? विपरीत, और परिमाण में क्या होंगे? बराबर। ओके, ये हमारे पास में बंदूक है, ये गोली, दोनों ने क्रिया प्रतिक्रिया किया। अब यहाँ पर इस बंदूक को एक आदमी ने पकड़ लिया, ओके, और आदमी की जिम्मेदारी क्या है साहब? ये बंदूक को होल्ड करके रख, तो ये हमारा इंसान मान लिया है ना। चलो सुनो, तो ये हमारा आदमी है साहब। आप सोचिए, आदमी का काम क्या है? बंदूक को होल्ड करके रखे, तो ये बंदूक आदमी पर बल कहां लगाएगी? पीछे। तो ये आदमी बंदूक पर बल कहां लगाएगा? आगे, ये लगाएगा, ठीक है। तो ये देखो, ये हो गई क्रिया, तो ये हो गई प्रतिक्रिया। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सभी की वैल्यू सेम है, क्योंकि आदमी को भी रेस्ट में रहना है, बंदूक को भी रेस्ट में रखना है। तो यहां पर देखिए, बंदूक रेस्ट में क्यों आई? क्योंकि गोलियों ने बल पीछे लगाया, आदमी ने बल आगे, इसलिए बंदूक पर परिणामी बल क्या हो गया? जीरो। पर अगर आप इंटरेस्टिंग बात देखें तो आदमी पर परिणामी बल कहाँ लग रहा है? पीछे, तो आदमी पीछे जाना चाहिए। यस, डेफिनेटली अगर यहाँ पर ये बिल्कुल चिकना तल होता, स्मूथ सरफेस होती, तो आदमी पीछे की ओर जाता, बंदूक से गोलियां दागता रहता और आदमी कहाँ जाता रहता? पीछे। पर यहाँ पर होता क्या है, यहाँ पर खुरदरी सतह होती। क्या होती है? खुरदरी सतह होती है, और खुरदरी सतह होने के कारण जो कि हम घर्षण बल आगे पढ़ेंगे, सिर्फ अभी नाम देख रहे हैं, तो इस आदमी पर घर्षण बल जो कौन लगा रहा है? पृथ्वी या जमीन लगा रही है। वो आदमी के पैरों पर बल कहाँ लगेगा? आगे की ओर, और वाकई में उसकी भी वैल्यू उतने के बराबर होगी अगर आदमी को रेस्ट में रहना है। तो आदमी को रेस्ट में किसने रखा? एक बंदूक ने बल पीछे लगाया और जमीन ने आदमी पर बल कहाँ लगाया? आगे। अगर देखेंगे तो परिणामी बल क्या हो गया? जीरो। आप सोचते हैं, जमीन ने आदमी पर बल आगे लगाया, तो क्या आदमी भी जमीन पर बल लगाएगा? यस, और कहाँ लगाएगा? पीछे की ओर। ये देखिए साहब, आदमी ने जमीन पर बल कहाँ लगाया? पीछे। तो अब नोटिस करते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म, क्रिया प्रतिक्रिया युग्म। अब बताओ, बंदूक क्यों रेस्ट में है? क्योंकि गोलियों ने बल पीछे लगाया, आदमी ने बल आगे लगाया, बंदूक रेस्ट में। आदमी क्यों रेस्ट में? क्योंकि बंदूक ने बल पीछे लगाया पर जमीन ने बल आगे लगाया। और जमीन क्यों रेस्ट में? जमीन जमीन पीछे चलने लग जाए, लगनी चाहिए, पर जमीन का द्रव्यमान इतना ज्यादा है कि छोटे मोटे बल से उस पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और गोलियां आगे क्यों जा रही है? क्योंकि गोलियों पर सिर्फ बल कहाँ लग रहा है? आगे। पर क्या हमने नोटिस किया कि अगर कोई भी बल होगा तो उसका प्रतिक्रिया बल जरूर होगा, क्रिया होगी तो प्रतिक्रिया, यही न्यूटन का तृतीय नियम। अंडरस्टूड? क्लियर?
तो आप चाहें तो ये छोटा सा डायग्राम अपने समझने के लिए बना सकते हैं और भी आगे डिस्कशन कर, है ना, फटाफट से बना लीजिए ताकि आपको याद रहेगा, और यहाँ पे आप अपने हिसाब से इसको बाद में घर पे जाके भी लिख सकते हैं। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चन भी पूछूंगा, एक बार डायग्राम बनाते हैं। हाँ जल्दी से बना लो। बन गया बेटा, ओके गुड। अच्छा एक बात बताइए, क्या ये क्रिया एवं प्रतिक्रिया हो सकते हैं क्या दोनों? क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि क्रिया एवं प्रतिक्रिया हमेशा अलग अलग बॉडी पर लगती है, और ये दोनों बल किस पे लग रहे हैं? बंदूक पर। इसलिए क्रिया एवं प्रतिक्रिया नहीं हो सकते। क्या क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त कर सकते हैं? नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक ही बॉडी पर नहीं लगते। क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल अलग अलग बॉडी पर लगेंगे, इसलिए एक दूसरे को कैंसिल नहीं कर सकते। पर हाँ, अगर प्रश्न ये आ जाए, प्रश्न क्या आ जाए कि मैं बंदूक को और गोली को एक ही निकाय में मान लूं, किसमें? बंदूक को और गोली को एक ही निकाय में मान लूं, तो फिर मैं बोलूंगा कि हाँ क्रिया एवं प्रतिक्रिया एक दूसरे को निरस्त कर सकते। परंतु सिर्फ गोलियों की चर्चा करूंगा या सिर्फ बंदूक की चर्चा करूंगा तो एक दूसरे को निरस्त नहीं करेंगे। तो हमेशा प्रश्न में शब्दों पर ध्यान देना चाहिए, उसमें पिंड लिखा है कि निकाय, ठीक है। जैसे आपने यहाँ पे निकाय की बात किया है तो ये बल कैसा हो गया? आंतरिक बल। कैसा बल हो गया? आंतरिक, क्योंकि बंदूक और गोली को आपने सिस्टम मान लिया, और सिस्टम मान लिया तो बंदूक ने गोली पर जो बल लगाया या गोली ने बंदूक पर जो बल लगाया वो कैसा बल हो गया? आंतरिक। इसलिए हम लोग ऐसा कहेंगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। चलिए इसी में क्रिया एवं प्रतिक्रिया बल का एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं। ये मिटा दूं ना मैं? ओके सुनिएगा, आगे बढ़ते। अब यहाँ पे एक और चर्चा करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे कि हम लोग एक बॉडी बनाते हैं, एक बॉडी बनाया, आपको याद है कि उसका एमजी लगाते हैं, भार लगाते हैं नीचे की ओर। अब प्रश्न ये आता है कि इस एमजी का प्रतिक्रिया बल कहाँ पे होता है? ऊपर की ओर, कहाँ पे? जैसे आप डायग्राम बनाते हो, आपको याद होगा यहाँ पे नॉर्मल बनाते हो ना, और फिर आप लिखते हो नॉर्मल बराबर एमजी। खैर इनकी चर्चाएं बाद में भी करेंगे हम चैप्टर में आगे, पर यहाँ पे मुझे पूछना आपसे ये है कि इस एमजी का प्रतिक्रिया बल कहाँ पर है? तो क्या एमजी का प्रतिक्रिया बल नॉर्मल है? तो नहीं है, क्योंकि नॉर्मल और एमजी तो एक ही बॉडी पर लग रहे हैं। तो नोटिस कीजिए, एमजी किसने लगाया? पृथ्वी ने। तो पृथ्वी के केंद्र पर इस एमजी का प्रतिक्रिया बल मिलेगा। अगर आप इसका डायग्राम बनाना चाहें, समझना चाहें, तो ये देखिए साहब, ये हमारी पृथ्वी, और पृथ्वी पर बॉडी डेफिनेटली बहुत छोटी सी बनेगी, इसका द्रव्यमान होगा एम, तो एमजी कहाँ लगा? नीचे, पृथ्वी के केंद्र की। तो अगर आप इसका प्रतिक्रिया बल ढूंढना चाहोगे तो प्रतिक्रिया बल पृथ्वी के केंद्र पर लगेगा, और कहाँ लगेगा? ऊपर की। इसी प्रकार से तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि गुरुत्वाकर्षण बल जो हमारा भार है इसका प्रतिक्रिया बल कहाँ लगेगा, तो हम बोलेंगे पृथ्वी के, क्योंकि ये किसने लगाया? पृथ्वी ने बॉडी पर लगाया। तो ये बल किसने लगाया? बॉडी ने। किस पे लगाया? पृथ्वी पर। तो ये क्रिया एवं प्रतिक्रिया, ये भी आप साथ में लिख सकते हैं, पूछा जाता है स्टेटमेंट, ठीक है, क्रिया एवं प्रतिक्रिया। ओके अभी हमने न्यूटन का तृतीय नियम पढ़ा, इसी प्रकार का एक और नियम होता है जो इसी से रिलेटेड होता है, उसको हम लोग कहते हैं संवेग संरक्षण नियम। तो इसको भी साथ में लिख लेते हैं,
ये आपको सिर्फ इसी चैप्टर में काम नहीं आएगा, ये बार बार हर चैप्टर में काम आता है। हम लोग लिख लेते हैं संवेग संरक्षण नियम। क्या होता है संवेग संरक्षण नियम? स्टेटमेंट लिखते हैं, स्टेटमेंट लिखेंगे साथ में सभी लोग, संवेग संरक्षण नियम। यदि किसी पिंड या निकाय पर, यदि किसी पिंड या निकाय पर, यदि किसी पिंड या निकाय पर बाह्य परिणामी बल का मान, यदि किसी पिंड या निकाय पर बाह्य परिणामी बल का मान शून्य हो, बाह्य परिणामी बल का मान शून्य हो, तो वस्तु या निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। तो वस्तु या निकाय का संवेग संरक्षित रहता है। ओके, समझते हैं क्या कहना चाहते हैं। हमने क्या कहा बेटा, आपने पढ़ा है कि F बराबर क्या होता है dP/dt, और आपने ये बात भी ध्यान रखी होगी कि यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बाह्य बल। क्यों कहते हैं ऐसा? आंतरिक बल क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि हम आगे जाके भी पढ़ेंगे और अभी भी ध्यान रखें कि अगर किसी भी सिस्टम पर यदि आंतरिक बलों का कुल योग निकालोगे तो हमेशा जीरो आएगा। तो आंतरिक बलों का हमेशा परिणामी क्या आएगा? शून्य आएगा। जैसा भी आपने देखा था, क्या देखा था कि अगर मैं बंदूक और गोलियों को एक ही मान लूंगा तो जितना बल आगे लगा उतना ही बल पीछे लगा, तो अगर आप परिणामी आंतरिक बल देखेंगे तो क्या आने वाला है? जीरो। इसका मतलब हमेशा आंतरिक बलों का कुल परिणामी योग क्या आने वाला है? शून्य। इसलिए वो तो हो गए शून्य, तो सिर्फ बचेंगे क्या? बाह्य बल। हमने कहा कि यदि बाह्य परिणामी बल का मान शून्य हो जाए तो डेफिनेटली dP/dt भी क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। तो हम जानते हैं कि एफ बाह्य को अगर आप शून्य कर देंगे, यदि ये शून्य हो गया, तो फिर क्या कहेंगे आप कि dP/dt भी क्या हो जाएगा? शून्य। इसका मतलब dP क्या हो जाएगा? शून्य। इसका मतलब क्या हो गया? संवेग में परिवर्तन शून्य हो गया। इसका मतलब P क्या हो गया साहब? कॉन्स्टेंट हो गया, नियत हो गया। किसका? जिस भी पिंड की या निकाय की आप बात कर रहे हैं, जो भी पिंड या निकाय की आप चर्चा कर रहे हैं, उसका संवेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। इसका भी मतलब समझते हैं कि प्रारंभिक संवेग जितना होगा उतना ही संवेग क्या होगा? बाद में भी होगा। ये बात हम लोग कहना चाहते हैं। अब अगर आपसे कहा जाए कि संवेग संरक्षण नियम और न्यूटन के तृतीय नियम के एग्जाम्पल्स लगभग सेम है क्या, तो हम लोग कहेंगे हाँ बिल्कुल सेम है। लगभग लगभग आपके एग्जाम्पल दोनों के आप सेम मान सकते हैं। जैसे कि अगर आपने यहाँ पे बंदूक और गोली का जो अभी एग्जाम्पल लिया था, आप कहें कि इसको आप संवेग संरक्षण नियम से समझा सकते हैं क्या? हम कहेंगे हाँ समझा सकते हैं। क्या कहेंगे? देखिए साहब, पहले बंदूक के अंदर गोलियां थी और बंदूक और गोली का संवेग कुल मिलाकर पहले क्या था? जीरो। कितना था? जीरो। बाद में क्या हुआ? गोलियां आगे गई, तो गोलियां आगे गई और बंदूक आ गई पीछे। इंटरेस्टिंग बात यह है, यदि गोलियों का कुल संवेग मान लीजिए आगे 40 हो तो इनका संवेग -40, और इसका मतलब आप बाद में देखेंगे तो 40 + -40 बोलो कितना हो जाएगा? जीरो। तो आप इसको संवेग संरक्षण नियम से भी बता सकते हैं। आखिर ये आगे क्यों गई? क्योंकि इस पे बल आगे लगा। ये पीछे क्यों गई? क्योंकि इस पे बल पीछे लगा। इस प्रकार से आप इसको संवेग संरक्षण नियम से भी बता सकते हैं। तो न्यूटन का तृतीय नियम हो या संवेग संरक्षण नियम हो, दोनों से हम इसकी चर्चा कर सकते हैं। और सोचते हैं, अगर हम मान लीजिए पानी में तैर रहे हैं, तो तैरना भी न्यूटन का तृतीय नियम का भी एग्जाम्पल है और संवेग संरक्षण नियम का भी एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं। कैसे? आप देखेंगे, आपने पानी को पीछे धक्का मारा तो पानी ने आपको आगे धक्का मारा और आप तैर पाए, एक जगह से दूसरी जगह तक गए। वैसे अगर आप यहाँ पे बोले कि साहब इसको संवेग संरक्षण नियम से बताएंगे, तो मान लीजिए हमारा पानी जो है पहले रेस्ट में था, है ना, हम जो है किसी स्विमिंग पूल में है, पानी रेस्ट में है, तो आप क्या कर रहे हो? पानी को संवेग कहाँ दे रहे हो? पीछे की दिशा में। तो पानी ने संवेग कहाँ दे दिया आपको? आप यही बात हो सकती है, यस और नो? तो इस तरीके से हम लोग बता। ओके, तो ये आप स्टेटमेंट लिख ले, इसके क्वेश्चन धीरे धीरे आगे आते जाएंगे। ये सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं है, ये तो जनरल स्टेटमेंट है, हर चैप्टर में आएगा संवेग संरक्षण। नोट कर लेते हैं।
क्या बेटे सबने? ओके गुड। अब एक छोटी सी बात हम लोग बीच में ले लेते हैं। आपको प्रश्न में आता कई बार जड़त्वी द्रव्यमान, ओके, और दूसरा पूछा जाता है कि गुरुत्वी द्रव्यमान, कौन ज्यादा है कौन कम है, ऐसा पूछा जाता है। किसी पिंड का जड़त्वी द्रव्यमान ज्यादा होता है कि गुरुत्वी द्रव्यमान ज्यादा होता है, और ये हमें यहाँ पे कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है। इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं, क्या होते हैं ओके, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। इसी पिंड की जब आप जड़त्वीय द्रव्यमान को निकालते हैं किसी पिंड का, तो जड़त्वीय द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? देखिए, आप उस बॉडी पर बल लगाइए, और बल लगाएंगे तो उसमें क्या आएगा? त्वरण आएगा, आएगा ना, एफ बराबर एम है। मान लीजिए हमारे पास में एक बॉडी है, और बॉडी पर आपने क्या लगाया साहब? बल, और उसका द्रव्यमान था एम, तो उसमें आपको क्या मिलेगा? त्वरण, यस। और अगर मैं उसका द्रव्यमान निकालने जाऊंगा तो वो कितना हो जाएगा? एफ बाई ए। तो ये जो तरीका होता है इसको हम कहते हैं जड़त्वीय द्रव्यमान। मतलब इस मेथड से जो आपने द्रव्यमान कैलकुलेट किया है उस मेथड को मैं क्या कहता हूँ? जड़त्वीय द्रव्यमान। मतलब बल लगाया और बल से आपने क्या किया? त्वरण पैदा किया। बल की वैल्यू आपको पता थी, त्वरण की वैल्यू आपने कैलकुलेट करी, पता करी, और इन दोनों से आपने क्या निकाल लिया? तो ये हो गया जड़त्वीय द्रव्यमान। अब गुरुत्वीय द्रव्यमान कैसे निकालते हैं? तो आप वस्तु का भार पता कर लो। कैसे पता करोगे? भार मापने की मशीन होती है ना, उस भार को मेजर कीजिए और उसको जी से भाग दे दीजिए। अगर भार को जी से भाग देते हो तो एम जी बटा क्या आ जाएगा? जी, और बेटा इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? एम। तो ये हमारे पास में एक दूसरा मेथड हो गया द्रव्यमान को निकालने का। पर आप लॉजिकली बताओ, अगर आप मेथड बदल दोगे तो क्या द्रव्यमान बदल जाएगा? नहीं। चाहे आप इस मेथड से निकालो चाहे इस मेथड से निकालो, द्रव्यमान तो क्या रहेगा? सेम। तो हमारा जवाब क्या होगा? जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान क्या होते हैं? सेम। ठीक है, मेथड अलग अलग होता निकाल। तो ये बात हम छोटी सी याद नोट कर लेते हैं ताकि कभी कोई प्रश्न आता है तो हम लोग। ठीक है बेटा, ओके आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न हमारे पास में आया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन क्या है साहब? कि जो अभी हमने संवेग संरक्षण नियम लिखा है, क्या लिखा हमने? संवेग संरक्षण नियम, क्या ये सेकंड लॉ ही है? तो हम लोग कहेंगे नहीं साहब, ये सेकंड लॉ एग्जैक्टली नहीं है। ऐसे तो हम थर्ड लॉ को भी कहें क्या ये भी सेकेंड लॉ है, हम लोग कहेंगे कि नहीं, सारी चीजें अलग अलग है। पर हाँ, हम ये बोल सकते हैं कि सेकेंड लॉ से डिराइव कर सकते। कैसे? आपका सेकंड लॉ क्या कहता है? एफ बराबर डीपी बाई डी, ये कहता है साहब। पर जब संवेग संरक्षण नियम लगाते हो तो उसमें आप इस लॉ में कंडीशन लगा देते हो, क्या? यदि बल का मान क्या हो? शून्य। तो आप समझिए कि जब आपने कोई कंडीशन लगा दी तो ये जो कंडीशन लगा दी ये तो इसका मात्र एक पार्ट है। क्या है ये? पार्ट है। मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ कि संवेग संरक्षण नियम वही है जो सेकंड लॉ है? नहीं, सेकंड लॉ का एक छोटा सा पार्ट है। कौन? संवेग संरक्षण। उसमें एक कंडीशन लग जाती है, और वो कंडीशन क्या है?
जब बल का मान क्या हो, शून्य। पर यहाँ पर तो जब आप सेकेंड डो लगाते हो तो बल का मान शून्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो कौन ज्यादा ब्रॉड है, सेकेंड डो, और ये तो उसका एक छोटा सा पार्ट है। तो सभी को मिक्स नहीं कर सकते, हाँ सब लोग आपस में क्या है, कनेक्टेड है, पर इनमें सबसे ब्रॉड लो कौन है, सेकेंड लो। मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जितने भी फॉर्मूले निकल कर आए हैं काइनेमेटिक्स के, एस बराबर यू टी प्लस आर पी टी स्क्वायर, बी बराबर यू प्लस ए टी, या बी, जितने भी हम लोग आगे पढ़ते हैं काइनेमेटिक्स, वो सारे कहाँ से निकल के आएंगे, सेकेंड लो से। न्यूटन का पहला नियम सिर्फ क्या बताता है, ये सिर्फ बल की परिभाषा बताता है, ठीक है। और न्यूटन का तृतीय नियम सिर्फ हमें क्रिया एवं प्रतिक्रिया के बारे में डिस्कशन करता है, ओके। तो ये हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम यहाँ पे आगे कुछ और प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। एक बहुत ही अच्छा सा प्रश्न आता है हमारे पास में, कल बंदूक की गोलियां दाग दी थी हमने, वेरी गुड। तो उसी को दागने को आगे थोड़ा सा और डिस्कशन करते हैं। क्या होता है, मान लीजिए हम यहाँ पे एक डिस्क ले लें, डिस्क ले लो या कोई भी एक फ्रेम ले लीजिए, ऐसे डिस्क ले लिया, ओके, और डिस्क को यहाँ पे पोजिशनिंग कर सामने, और हम लोगों को क्या करना है, इस पर बंदूक की गोलियां दागी। तो बंदूक की गोलियां हमने दागी और बंदूक की गोलियां कुछ इस प्रकार से, मतलब वो गोलियां टकरा कर, ये प्रश्न में दे रखा है, हमें दिमाग नहीं लगाना है कि सर ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रश्न में दे रखा है कि बंदूक की गोलियां वी वेग से गई और वापस किससे लौट कर आ गई, वी वेग से। हम बहुत सारी बंदूक की गोलियां इस पर, इस डिस्क पर जो है टकरा रहे हैं, ये इस पर दाग रहे हैं, और गोलियां जो है वी वेग से जाकर वापस वी वेग से पुनः लौट कर आ जाती है, ओके। ये हमें बोला, ऐसा समझिएगा। और हमने यहाँ पर बोला आपको कि गोलियों के दागने की आवृत्ति स्मॉल एन, आपको याद होगा इसको एन बाई टी लिख सकते हैं, एन बाई टी मतलब गोलियां कितनी दागी गई प्रति एकांक समय में, उसको हमने कहा, ये हमने कहा गोलियों के दागने की आवृत्ति, गोलियों के दागने की आवृत्ति भी तो कह सकते हैं इसको, आवृत्ति है ना, कितनी रेट से आपने गोलियां दागी, एन बाई टी। और गोली, एक गोली का द्रव्यमान में ले लेता हूं स्कॉलेड, एक गोली का द्रव्यमान, और आपसे बोला गया है कि डिस्क पर, ये चकती कहते हैं चकती, तो चकती पर आरोपित बल आपको बताना है, चकती पर आरोपित बल आपको यहां पर कैलकुलेट करना है, आरोपित बल, ये हमारा प्रश्न। तो समझते हैं, आपको याद है कि पिछली क्लास में क्या किया था, जब बंदूक से गोली बाहर निकली थी तो आपने बल निकाला था, याद होगा डीपी बाई डी टी, और आपने निकाला था कि देखिए साहब एन बाई टी गोलियां दागी गई है और एक गोली में ये परिवर्तन आया, ये कल की बात है, क्योंकि गोली का प्रारंभिक संवेग जीरो क्यों लिखा था, क्योंकि गोली किसके अंदर थी, बंदूक के अंदर। अभी हम डिस्क से टकराने के जस्ट पहले और जस्ट बाद की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे चकती पर आरोपित बल निकालना है। तो सोचिए चकती पर जो गोली है वो कितने से गई थी, एम वी से, और लौट कर कितने से आई, एम वी से। कल दीवार पे भी तो हमने बॉल गिराई थी, तो एक गोली ने कितना संवेग में परिवर्तन किया, 2 mv, और कितनी गोलियां दागी गई, एन, कितने समय में, टी समय में, कितना बल लगा, एम। एक गोली का संवेग में परिवर्तन कितना है, 2 mv, कितनी गोलियां दागी गई, एन, कितने समय में, टी में, और इसी एन बाई टी को क्या बोल दिया हमने, स्मॉल एन। तो साहब इसी को जब आप लिखेंगे तो लिखेंगे स्मॉल एन 2 mv, हाँ या ना। अब इसी प्रश्न को अगली बार से मैं चेंज ओवर करना चाहूंगा तो मैं क्या करूंगा कि साहब गोलियां आई और टकराकर यहीं गिर गई, तो फिर सिर्फ एम बी आएगा, क्योंकि टकराकर लोटी नहीं, यहीं गिर गई, तो फिर आपका संवेग में परिवर्तन सिर्फ क्या आएगा, एम बी, हाँ या ना। अच्छा इसी प्रश्न को थोड़ा सा और चेंज करते हैं, और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए ये आपने डिस्क लगा दी, डिस्क लगा दो, दीवार लगा दो, जो भी आप लगाना चाहें, हमने फिलहाल डिस्क लगा दी, तो डिस्क लगा दो, ओके, ये डिस्क लगा रहा है, और नोटिस कीजिए कि साहब ये डिस्क पे क्या हो रहा है, ये जो गोलियां आपने दागी है ये गोलियां आ ऐसे रही है इस तरीके से, और ये जो है इस तरीके से आती है और इस तरीके से चली जाए, मान लीजिए इस तरीके से, और ये कोण आपको दे रखा है साहब सभी जगह पर, कितने कोण पर आती है, थीटा पर, और थीटा पे वापस क्या जा रही है, रिटर्न हो रही है, वी से आई थी, वी से गई थी, और बाकी सब चीजें सेम है। तो इस बार जब आप लिखेंगे इसी प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं, तो आप बेटा यहाँ पे एन बाई टी तो स्मॉल एन तो लिखेंगे इसे, पर यहाँ पे आपको लिखना होगा 2 mv cos θ, समझ में आता है, क्योंकि एक गोली का 2 mv cos θ, और कितनी गोलियां दागी गई, एन आवृत्ति से, तो हमने ये लिख दिया,
आप इसको चाहे तो कैपिटल एन बाई टी लिख दें और चाहे तो इसको स्मॉल एन टू एम वी कॉस थीटा है, यस और नो, ऐसा कर सकते हैं। तो इसी का एक पार्ट तो हमने ये बनाया इस तरीके का, ये वाला एक पार्ट बन गया, ऐसा ही ये सेकेंड पार्ट का केस बन गया। अब तीसरे पार्ट में क्या केस बनाया जा सकता है, कुछ और तूफानी करने के चक्कर में कि हमने इस डिस्क को जो है हवा में रख दिया, ऐसे ये डिस्क को क्या रख दिया सब हवा में, और हवा में तैरनी चाहिए, और हम नीचे से इस पर क्या कर रहे हैं गोलियां दाग, और हमने गोलियां इतनी दागनी है इस पर कि ये नीचे नहीं गिर पाए, ठीक है। तो ये गोलियां इस तरीके से प्रश्न में दे रखा है, जो दे रखा है वो हम लोग कर रहे हैं। प्रश्न में क्या दे रखा है कि साहब वी वेग से गई, वी वेग से आई सारी गोलियां, कितने से गई वी से, वापस कितने से आई वी से। अब नोटिस करते हैं तो जो काम यहाँ हुआ वही तो काम यहाँ हुआ था, गोलियों ने कितना बल लगाया, यही तो लगाया। तो बताओ गोलियों ने कितना बल लगाया साहब, गोलियों के द्वारा लगा हुआ बल है 2 NmV, हाँ या ना। अब मैं कहना चाहता हूं कि डिस्क को हवा में तैरना है, डिस्क को कहते हैं चकती, चकती को हवा में तैर के रखने के लिए, तैरने के लिए, तैरने के लिए, ऐसा मैंने बोला, हवा में तैरना है साहब चकती को। अगर डिस्क को हवा में अगर मुझे तैराना है तो इसके वजन को बैलेंस करना पड़ेगा, और वजन को अगर मैं बैलेंस करता हूँ तो बेटा नीचे क्या लगेगा इसका, एम जी लगेगा ना नीचे, तो नीचे तो साहब इसका लगा एम जी, ये लगा देते हैं एम जी, और ऊपर की ओर एक बल लग रहा है, वो कौन लगा रहा है, गोलियां, गोलियां धड़ाधड़ इस पे आप मार रहे हो तो गोलियों के कारण बल कहाँ लगा, ऊपर, और उसकी वैल्यू आपने लिखा कि इसके बराबर 2 NmV, और इसका जो भी वजन है डिस्क का वो कहाँ लगा, नीचे की ओर, और दोनों अगर बराबर हो जाएंगी तो हमारी डिस्क ना तो ऊपर जाएगी ना नीचे जाए, और ये कहाँ तैरती रहेगी हवा। तो इस तरीके से आपको अलग अलग तरह से वेराइटीज में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्वेश्चन की प्रजाति एक ही है, पूछने का तरीका थोड़ा थोड़ा सा क्या हो गया, बदल गया, नोट कर लीजिए। हाँ बेटे बोलो, हाँ नहीं बेटे 90 डिग्री पे नहीं हुई, गोली नीचे इसलिए गिरी है क्योंकि उसका संवेग जीरो हो गया, अगर संवेग जीरो हो गया सोचिए तो उसको गिरना ही है, जैसे आपने कोई चीज यहाँ पे मारी और संवेग जीरो होगा तभी गिरेगी ना, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि टकराकर रेस्ट में आ गई, क्या कह रहा हूँ मैं, टकराकर रेस्ट में आ गई तो यहाँ पे तो रहेगी नहीं, वो तो कहाँ गिरेगी नीचे, ये हम लोग कह, या फिर ये कह सकते हैं कि वो गोली जो आई वो इसी के अंदर धंस गई, तो भी क्या देंगे संवेग में परिवर्तित करेंगे, नोट कर लीजिए और बात कर। हाँ बेटे अभी अभी करते हैं, अभी समझते हैं उसको, बेटा लिख लिया सबने, लिख, हाँ बेटे हम, हाँ एक्चुअली मैं, आप जो बल लगा रहे हो ट्रिगर दबा रहे हो, क्या कर रहे हो ट्रिगर दबा रहे हो, एक्चुअली उस बल को हमने एक तरह से नेग्लिजिबल माना है, सोचिए सिर्फ ट्रिगर दबाने से जो आपकी बंदूक है उससे गोली 100 मीटर पर सेकंड से थोड़ी जा सकती है, वो तो उसके अंदर का मैकेनिज्म, उसके अंदर स्प्रिंग सिस्टम है, उसके कारण गई, नहीं तो आप फिर बंदूक क्यों लेते हैं ऐसे गोली फेंक, है ना, तो ट्रिगर दबाने से नहीं हुआ वो, है ना, ट्रिगर दबाने से नहीं हुआ है वो, उसके अंदर जो एक स्प्रिंग मैकेनिज्म है उसके कारण उस पर बहुत तेज बल लगा और इसके कारण गई, है ना।
लिखा बच्चों? कितना देर से लिखते हैं? लिखो 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 लिखो, कोई दिक्कत। जिन बच्चों ने लिख लिया वो ऐसे सुनो, अगर मैं यहाँ पे चक्की की जगह पे कोई आयताकार प्लेट कर देता तो क्या होता? क्या फर्क पड़ता? उससे क्या फर्क पड़ता? जितनी गोलियां दागी उतनी तो बल लगेगा। तो एक चक्की हो या आयताकार प्लेट हो या वर्गाकार प्लेट हो, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे तो क्वेश्चन का आंसर इसी तरीके से देना है ना। 2 MB कब आएगा? जब लोट कर वापस आएगी, जो कि हमने कल भी देखा था, याद है? और अगर लोट कर उसका फाइनल वेग 0 हो गया तो संवेग में परिवर्तन नहीं है ना, और कोण पर आई तो हम उसमें कॉस थीटा या साइन थीटा जो भी होगा वो ऐड करते थे। कल हमने 2 केसेस किए थे, एक में 2 MB कॉस थीटा आया था, एक में 2 MB साइन थीटा आया। ओके, तो ऐसा हम लोग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल भी वैल्यू नहीं लिखाऊंगा, ऐसे आपके मॉड्यूल में जब जाएंगे तो कुछ ना कुछ ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं कि साहब डिस्क हमारी जो है 200 ग्राम की है, तो यहाँ 200 ग्राम लिख देना, जी का वैल्यू दिया जाएगा। और बोलेगा कि बंदूक की गोली का द्रव्यमान इतना है, बंदूक की गोली इतने वेग से आई, तो बताओ किस आवृत्ति से, किस रेट से बंदूक की गोलियों को दागा जाए, और आपको क्या निकालना होगा फिर। तो हम लोग वैल्यू रख सकते हैं, अगर मुझे कॉन्सेप्ट दिया है, कर सकते हैं। ओके गुड। अब देखिएगा, एक प्रश्न की बात करते हैं जो अभी आप एक पूछ भी रहे थे बच्चे, और उसको मैं डिस्कस करता हूँ यहाँ पे, सुनिएगा। आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है बिगिनर बॉक्स में या नॉर्मली पूछा जाता है, क्या पूछा जाता है सुनिए, कि एक कोई बॉल आई, ओके, और बॉल आती है और 90 डिग्री के कोण पर चली जाती है। कितने कोण पर चली जाती है? वी वेग से आई थी और वी वेग से चली, यस और नो? ऐसा मुझे बोला गया। तो कई बच्चे क्या करते हैं, इस कोण को मान लेते हैं 45 डिग्री। कितना मान लिया? 45। और आंसर तो आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं आंसर में। उन्होंने इसको भी 45 मान लिया, इसको भी 45 मान लिया, ये भी 45 मान लिया, ये भी 45 मान लिया। पर ध्यान रखें, उसमें जब तक आपको एक कोण नहीं दे रखा है, आपको नहीं मानना। मेरी बात समझ रहे हैं आप? उसने बोला कि बॉल आई और उसका विचलन कोण 90 डिग्री दे रखा, तो उसने आपको उसका प्रारंभिक कोण नहीं दिया कि किस कोण पर आई थी, ये तो नहीं दे रखा था। तो फिर आप अगर ऐसे प्रश्नों में दे दें, मान लीजिए जहां पर भी वो टकराती है, और कितने कोण से टकरा कर गई वापस? 90 डिग्री से। तो आपको क्या सोचना है कि देखिए हमारी जो बॉल थी वो ऐसे जा रही थी या वैसे जाने लग गई। तो वाकई में ये जो है संवेग में परिवर्तन लिखोगे तो क्या लिखोगे? P2 - P1। और उसको आप लिखना चाहेंगे तो आप क्या लिखेंगे साहब? m, और क्या लिखेंगे? V2 - C1, ऐसा लिख सकते हैं। उसने दोनों का परिमाण क्या दिया था? सेम। तो थोड़ा सा आप चले जाइए वेक्टर वाले चलते, आप डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, मैं सही तरीका बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। आपको याद है कि वेक्टर a माइनस वेक्टर b का एक फॉर्मूला आप लिखा करते थे, परिमाण का क्या आता था? ध्यान है, √a² + b² - 2ab cos, है ना? और आप यहाँ पे क्या करोगे बेटा, दोनों ही वी दे रखे ना, तो V² + V² - 2VV cos थीटा, और cos थीटा की वैल्यू कितना दे रखा? 90 डिग्री। ये कोण है क्या? नहीं, एक्चुअली प्रारंभिक जो वेग है वो इस दिशा में है और बाद का वेग इस दिशा में है। तो आपने कोण तो ये ले लिया, पर अगर आप अगर समझना चाहते हैं तो कोण ये वाला लेना था। इंटरेस्टिंग बात है, वो भी 90। क्योंकि आप जब भी कोण लेते हो तो ये वेग इधर जा रहा है, देखो इधर एक वेग इधर जा रहा है, तो कोण कैसे लेते हैं? या तो दोनों की पूंछ के बीच में लेंगे। अब अगर आपने यहाँ पे लिया है तो यहाँ तो एक ही तो पूंछ ले ली, एक का सर ले लिया, गलत हो गया ना? तो आंसर तो सही आ गया, पर आप कॉन्सेप्चुअली क्या हो गए? गलत हो गए। तो आपको कोण कौन सा लेना था? ये वाला। और ये हो गया साहब V1, और ये क्या हो गया? V2। V1 का परिमाण है V, V2 का परिमाण है V, दोनों के बीच में कोण क्या है? 90 डिग्री। और आपको करना क्या है? आपको तो V2 - V1 का परिमाण ही तो निकालना है। आपने ये फॉर्मूला लगा दिया V² + V² - 2VV, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ? cos 90 डिग्री। और बेटा ये वाली वैल्यू तो क्या हो गई? 0 हो गए ना, इसको तो क्रॉस कर देंगे। और यहाँ पे क्या आ जाएगा बोलो?
2v स्क्वायर मतलब कितना आ गया √2v, और यहाँ पे जब आप इसका परिमाण लिखेंगे तो बोलो कितना आ जाएगा m, और ये आ गया बच्चे √2v आंसर आ गया। अब मैं आपको क्या मना करने की बोल रहा हूँ, आंसर तो उससे भी आ जाता है, पर आपने अपनी मर्जी से प्रारंभिक कोण को 45 डिग्री मान लिया, दैट इज रॉन्ग, है ना। अपनी मर्जी से क्या मान लिया आपने, 45 डिग्री, कोई जरूरी है 45 डिग्री पे आए, हो सकता है यहां से 30 डिग्री के कोण पर आए और यहां से ऐसे चली जाए, तो ये कोण बोला है उसने, उसने ये कोण थोड़ी बोला, आपने उसको अपनी मर्जी से क्या मान लिया था 45, तो वो क्या था, गलत बात है ना। वैसे आंसर उससे भी आ जाएगा क्योंकि आपने जो माना है वो 90 डिग्री सही, पर आप अपनी मर्जी से डेटाज नहीं मानने चाहिए और आंसर तब भी सेम आ जाएगा। आपने क्या मान के कर लिया, इसको 45 मान लिया, इसको क्या मान लिया 45, और ये साहब ऐसे चली गई 45 पे, और डेफिनेटली इससे तो आप करेंगे, ठीक है। पर उसने क्या बोला आपको कि गेंद आई और कितने से विचलन होके गई, 90 डिग्री से, तो ये कोण 90 डिग्री आ गया, मतलब ये कोण भी क्या आ गया 90 डिग्री। आपने क्या करना है, संवेग में परिवर्तन निकालना, किसे निकाला, P2 माइनस P1, और V2 माइनस V1 का एक फॉर्मूला, इस बहाने हमें उसकी एप्लीकेशन भी आ गई, वेक्टर ए माइनस। थोड़ा थोड़ा याद आया, जिन बच्चों ने क्वेश्चन किया होगा उनको समझ में आ गया होगा, और जिन बच्चों ने नहीं किया वो घर जाके देखेंगे तो अपना आप आ जाएगा। आई होप इट इज क्लियर, ठीक है आगे बढ़ जाऊं मैं, ठीक है। इसको आप नोट करना चाहें तो ये आपके मॉड्यूल का कोई एग्जाम्पल है, या बिगिनर बॉक्स का, कौन सा क्वेश्चन है, हाँ बिगिनर बॉक्स 1 का क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है ना, ये देख लें। आपको कुछ नोट करना है तो मैं आपको 30 सेकंड का टाइम देता हूँ, नोट कर लीजिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ बेटा अभी और करेंगे बात, है ना, थोड़ा सा पहले अभी थ्योरी पढ़ ले, फिर मैं एक दिन डिस्कशन करूंगा जब सारी बातें, ठीक है ना। ये बिगिनर बॉक्स का क्वेश्चन नंबर 10, आप चिंता नहीं करें, आप काम करते रहे, मैं अपने आपसे डिस्कशन करवा दूंगा, है ना। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ओके गुड, मिटा दूं अब तो। आज हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं रॉकेट प्रोपल्शन, इसको हिंदी में कहते हैं रॉकेट प्रणोदन, क्या कहते हैं इसको, रॉकेट प्रणोदन, है ना, ये कहते हैं। तो रॉकेट प्रणोदन की बात हम लोग क्या होता है समझते हैं, रॉकेट की उड़ान भरवाना। और आपने अगर रॉकेट अगर वाकई में प्रैक्टिकली नहीं भी देखा है तो थोड़ा सा इसको कनेक्ट कीजिए, दिवाली पर आप जो है एक कोई कांच की बोतल लेते हैं, उसके अंदर रॉकेट भरते हैं, और फिर उसको हम लोग कुल मिलाकर, वो एग्जैक्ट केस तो नहीं है पर हाँ विजुलाइज करने के लिए उसकी हेल्प ले सकते। अब रॉकेट का कैसे प्रोपल्शन होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं, है ना। मान लीजिए साहब हमारे पास में एक रॉकेट, और रॉकेट को हमने जमीन से छोड़ा, और याद रखेंगे रॉकेट को हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर छोड़, साइड में नहीं छोड़ना है, दूसरे के घर में घुस जाएगा, ठीक है, कहाँ छोड़ना है, सीधा ऊपर, ओके। अब देखते हैं किस प्रकार से रॉकेट का यहाँ पे जो है मैकेनिज्म होती है, रॉकेट किस प्रकार से उड़ान भरता है उसके बारे में हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले कुछ जो इसकी जो जानकारी है वो हम लोग लिख लेते हैं। हमने माना साहब शुरुआत में इसका द्रव्यमान है एम नोट, रॉकेट का प्रारंभिक द्रव्यमान ये हमने माना, प्रारंभिक द्रव्यमान कितना है एम नोट, इसको आप एक तरह से बोल सकते हैं टी बराबर 0 पर शुरुआत, ओके। और यहाँ पर हम देखते हैं कि रॉकेट के अंदर ईंधन होता है, फ्यूल होता है, तो ईंधन के खपत की दर, ईंधन के खपत की दर, या इसी को आप ऐसा भी बोल सकते हैं, अगर ईंधन का फ्यूल का कंजम्पशन होगा तो वहां से क्या निकलेगी, एग्जॉस्ट गैसेस निकलेगी, उसी को मैं कह सकता हूँ निष्कासित गैसों के उत्सर्जन की दर, मतलब किस रेट से हमारी जो गैसेस हैं वो उत्सर्जित हो रही है उसकी जो दर है उसको मैंने क्या कहा, डीएम बाई। एक और चीज यहाँ पे आ जाती है जिसको मैं कहता हूँ वीआर, वीआर का मतलब हो गया जो हमारी निष्कासित गैसेस होंगी
निष्कासित गैसें है ना, वो रॉकेट के रेस्पेक्ट, रॉकेट के सापेक्ष, निष्कासित गैसों की रॉकेट के सापेक्ष चाल है ना। मतलब ये हो गया कि जब रॉकेट ऊपर की ओर उड़ान भरेगा तो जो गैसें वो कहां जाएगी, नीचे की ओर। तो उन गैसेस का रॉकेट के रेस्पेक्ट में चाल क्या है। हम रॉकेट के रेस्पेक्ट में इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि हमें रॉकेट को उड़ाना है, जमीन को थोड़ी उड़ाना है, तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में बात करेंगे। ठीक है, अच्छा, तो हमने एक तो बात किया एम नॉट, एक बात किया डीएम बाई डी टी की, एक इसकी बात किया वी आर की। किसी डीएम बाई डी टी को आप चाहें तो कई बार म्यू लिख सकते, ऐसे नाम दे दिया हमने। डीएम बाई डी टी बार बार यूज नहीं करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, म्यू। अगर मैं आपसे पूछूं ऐसे जानकारी के लिए, टी समय पर क्या रॉकेट का द्रव्यमान सेम रहेगा क्या, कम हो जाएगा ना। तो अगर टी समय पर आप रॉकेट का द्रव्यमान देखेंगे तो एम नॉट माइनस म्यू टी पे इस रेट से द्रव्यमान कम हुआ, तो टी समय में इतना द्रव्यमान कम हो गया और पहले कितना था एम नॉट, तो अब बचा कितना है, तो ये हमारे पास में द्रव्यमान बचता है। डेफिनेटली रॉकेट का द्रव्यमान धीरे धीरे क्या होने लगेगा, कम होता क्या है, थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझते हैं। रॉकेट का स्केलेटन होता है, स्केलेटन मतलब ढांचा, मशीन प्लस उसका जो भी ढांचा है, मान लीजिए उसका द्रव्यमान है 500 किलो, पर रॉकेट के अंदर हमने फ्यूल भरा 1500। प्रैक्टिकली यही होता है, हम चाहते हैं कि रॉकेट के ढांचे का द्रव्यमान कम से कम रहे, वो काफी हल्का रहे, और ज्यादातर हम उसके अंदर द्रव्यमान किसका रखें, फ्यूल का, क्योंकि फ्यूल ही तो है जो उसको ऊपर लेके जाएगा। पता चला आपने फ्यूल तो भरा ही नहीं, रॉकेट ही रॉकेट बना दे, रॉकेट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। रॉकेट ऊपर किससे जाएगा, फ्यूल के कारण। तो हमारी इच्छा क्या है, उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट किसकी रखे, फ्यूल की। तो फ्यूल की ज्यादा अमाउंट रखने के लिए उसका द्रव्यमान क्या रखना चाहिए, कम। अब क्या होता है, ये जो रॉकेट का टोटल द्रव्यमान कितना हो गया अभी, 2000 किलो, यस और नो। अब अगर मैं आपसे कहूं कि साहब रॉकेट के अंदर जो फ्यूल है वो 20 किलोग्राम प्रति सेकंड से खपत हो रहा है, तो नोटिस कीजिए 10 सेकंड के बाद में 200 किलो कम हो गया, और 200 किलो कम हो गया तो अब 2000 नहीं लेके चल सकते आप, 200 किलो कम करोगे तो 1800 ही रह गया। यस, ये परिवर्ती द्रव्यमान का प्रश्न हो गया, और आप नॉर्मल केसेस में द्रव्यमान को क्या ले लेते हैं, सेम, पर यहाँ पे द्रव्यमान को सेम नहीं ले सकते। क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्यूल का कंजम्पशन का रेट बहुत ज्यादा है, एक सेकंड में 20 किलो तो द्रव्यमान खत्म हो गया, और इतना फ्यूल का कंजम्पशन होना ही चाहिए तब जाके रॉकेट उड़ान भर पाए। यस, चलिए साहब, तो अब ये बात को हम लोग समझते हैं, रॉकेट कैसे उड़ान भरता है। तो जब फ्यूल यहाँ पर कंज्यूम होता है तो फ्यूल क्या करता है, इंजन क्या करता है, गैसों को नीचे की ओर फेंकता है। तो गैसों को नीचे की ओर फेंका मतलब गैसों पर नीचे की ओर बल लगाया, तो न्यूटन का तृतीय नियम क्या कहता है, अगर आपने नीचे की ओर धक्का मारा गैसों को तो गैस आप पर ऊपर की ओर धक्का मारेगी, और जो धक्का गैसेस ने ऊपर लगाया एक तरह से वो बली तो लगाया। और यहाँ पर देखिए गैसेस के खपत होने की दर क्या है, डीएम बाई डी टी, और उनका वेग क्या था, वी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे वी डीएम बाई डी, क्या लिखेंगे, वी डीएम बाई डी टी, समझ में आ गया। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान रखें कि निष्कासित गैसों का रॉकेट के सापेक्ष जो चाल है वो नियत ही रहेगी, वो नहीं बदलती, क्योंकि रॉकेट चाहे मान लीजिए रॉकेट की स्पीड बढ़ भी गई तो मैं क्या लिख रहा हूं यहाँ पे, रॉकेट के सापेक्ष क्या लिख रहा हूं। आप कहोगे सर रॉकेट की स्पीड बढ़ गई तो क्या होगा, अरे भाई रॉकेट के सापेक्ष का मतलब हो गया रॉकेट को मैं एक तरह से रेस्ट में मानते हुए उसके रेस्पेक्ट में बातें कर रहा हूँ। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि वी आर की वैल्यू क्या रहेगी, कॉन्स्टेंट, तो वी आर तो सेम रहेगा। यहाँ पे वी की जगह पे मैं वी आर को लिख देता हूँ ताकि आपको सिर्फ ये याद रहे कि ये जो आपने वेग लिखा है ये जमीन के सापेक्ष नहीं लिखा, किसके सापेक्ष लिखा, रॉकेट के। तो वी आर रिलेटिव सापेक्ष, और आर मतलब रिलेटिव ही, आर मतलब रॉकेट, रॉकेट के सापेक्ष, हाँ है ना। चलिए साहब, और ये मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे डीएम बाई, ये बल कहाँ लगा, ऊपर, किस पे लगा, रॉकेट पे। क्यों लगा, क्योंकि रॉकेट ने गैसेस को नीचे फेंका, तो ये बल क्या करता है, रॉकेट को ऊपर उड़ाने की कोशिश करता है। और नीचे अभी ध्यान दीजिए, आपने अभी जमीन से जस्ट छोड़ी है तो इसका भार भी तो नीचे लगेगा साहब, और शुरुआत में देखेंगे तो एम नॉट जी लगेगा, ये मैं डायग्राम बना रहा हूँ कब का, टी बराबर जीरो का, तो उसका भार कहाँ लगेगा, नीचे।
और हम इसको अगर त्वरित करना चाहते हैं तो हमने कहा कि साहब इसको त्वरित करना, तो ए से हम त्वरित करना चाहेंगे। डेफिनेटली आप त्वरित ऊपर ही करना चाहो क्योंकि उड़ान कहाँ भरानी, ऊपर। तो अब इसकी इक्वेशन बताओ, ऊपर वाला बल कितना है, वी आर डी एम बाई डी टी, हाँ या ना। नीचे वाला बल कौन है, एम नॉट जी, तो ये नेट बल हो गया। और ये किसके बराबर होना चाहिए, एम नॉट ए की, हाँ या ना। तो साहब ये हमारे पास में पहली समीकरण आ गई, केस नंबर वन। केस नंबर वन क्या है, ऊपर वाला बल माइनस नीचे वाला बल, माइनस करेंगे तो परिणामी बल आ जाएगा और वही हमारे रॉकेट को क्या देगा, त्वरण। ये हमने लिखा। अब यहाँ पे कुछ चर्चाएं करते बन जाएगा, इंटरेस्टिंग है, सुनना ध्यान से, समझना सभी लोग। अगर मैं आपसे कहूँ कि यार शुरुआत में मुझे सिर्फ इतना सा बल लगाना है कि हमारा भार संतुलित हो जाए, क्या बोला मैंने कि बस मुझे भार को संतुलित करना, व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब ये हो गया कि हमने कहा कि यार मुझे कोई त्वरण नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ इतना बल लगाना है कि भार संतुलित हो जाए। तो सोचिए अगर भार का मान है 2000 न्यूटन तो मैं बल भी कितना लगाऊंगा, तो है ये मैंने कहा है। कई बार प्रश्न में बोला जाता है, स्टेटमेंट ध्यान रखेंगे कि भार को संतुलित करने के लिए कितना बल लगाना होगा, तो हम लोग बोलेंगे F बराबर क्या लगाएंगे, एम नॉट जी, और फिर यहाँ पे F को इसके बराबर कर देंगे और यहाँ से कुछ ना कुछ गायब होगा तो उसको सॉल्व करेंगे। और फिर एक दिमाग में प्रश्न आना चाहिए कि फायदा क्या होगा, ऊपर वाला बल नीचे वाला बल बराबर हो गए तो रॉकेट कैसे उड़ेगा, कौन बताएगा, नियत करवण से, उसको धक्का थोड़ी मारना कि किक मार दीजिए और नियत वेग से जाने लगे, यस और नो। अरे भाई अगर त्वरण नहीं होगा, मतलब शुरुआत में क्या था, रेस्ट में, और आपने अभी त्वरण भी नहीं दिया तो ये पहले जमीन पे था, थोड़ा सा हवा में रख दोगे तो ऊपर वाला बल और नीचे वाला बल बैलेंस हो गया और ऊपर तो नहीं जा रहा है। पर ध्यान रखें अगर आपने शुरुआत में इसके बराबर, इसके वजन के बराबर भी अगर बल दे दिया तो मजेदार बात है, एक मोमेंट के लिए तो संतुलित रहेगा पर अगले मोमेंट पर ही ऊपर की ओर त्वरित होने लग जाएगा। रीजन क्या है, क्योंकि धीरे धीरे आपको समझ में आता है कि बल का मान तो जो आपने लगाया 2000 ही लगाया, पर ये भाई साहब जो 2000 है ये तो कम होते जाएंगे ना, ये तो 2000 है, थोड़ी देर में फ्यूल कंज्यूम होने लगेगा, तो ये 2000 है, थोड़ी देर में 1990 हो जाएगा, फिर 1980, फिर 1970 उल्टी दिशा, कभी 1900 आ जाएगा, ये सो नो। तो ये कम होता जाएगा पर ये तो क्या रहने वाला है, सेम, क्योंकि ना तो वी आर बदल रहा है ना डी एम आई डी। तो ऑटोमेटिकली आपका काम ये कि शुरुआत में अगर संतुलित भी कर दिया तो फिर ये उड़ान भर लेगा, समझ में आ गया। तो ये हमारे पास में प्रश्न आ गए। अब इसके क्या क्या प्रश्न, आवाज आ रही है सभी को, ओके गुड।
इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग इसके कुछ प्रश्न देखते हैं। लिख लिया बेटा? हाँ, ये वाला अभी बताऊँ, एक बार नोट कर लो, मैं सारा रिपीट कर दूंगा। एक बार और रिपीट कर लेते हैं जो बातें हमने समझी है, जब तक आप लोग नोट भी करते रहें। बेटा इसका बाहर तो नीचे लगेगा, कोई डाउट नहीं आता है ना, बाहर कहाँ लगेगा? नीचे। हाँ, जब दोनों का द्रव्यमान कहाँ समान है, मतलब ये दोनों बल समान होंगे तो ये ऊपर क्यों जाएगा? अभी वो भी डिस्कस कर लेते हैं, पहले एक बार समझिए। मैंने कहा इसका बाहर तो नीचे लगेगा, पर मुझे इसको ऊपर की ओर लेके जाना। मान लीजिए त्वरण क्या है कि, तो बेटा इस पर एक बल ऊपर चाहिए, चाहिए ना? उस बल को हमने ऊपर की ओर लगाने के लिए क्या तरीका अपनाया कि हमने एक तरह से हमारे पास में जो इंजन है या जो हमारे पास में जो यहाँ पे मैकेनिज्म है, उससे हमने क्या किया, फ्यूल को कंज्यूम करके हवा गैसेस को कहाँ फेंका? नीचे की ओर। तो गैसेस को अगर नीचे की ओर फेंकोगे तो उन पर बल आपने नीचे लगाया, तो बल कहाँ लगाएगी? ऊपर। और ये बल ऊपर की ओर, तो ये बल क्या करेगा? ऊपर की ओर लगेगा। अगर इस बल का मान जो कि यहाँ पे मैंने लिखा, अगर mg से ज्यादा हो गया तो ये ऊपर की ओर क्या करने लग जाएगा? त्वरित करने लग जाएगा। मैंने आपको एक छोटी सी बात अभी बोली है कि कई बार प्रश्नों में लैंग्वेज में क्या आता है कि मुझे सिर्फ इस बल को इतना लगाना है कि ये इसके भार को संतुलित कर ले। तो भार को संतुलित करने का मतलब है त्वरण को जीरो करना। किसी चीज को संतुलित कर दिया आपने, ऊपर का बल नीचे के बल के बराबर कर दिया, तो त्वरण क्या आ जाएगा? जीरो। तो हम ये कहना चाहते हैं कि उस समय ये हो जाएगा 2000 और ये भी क्या हो जाएगा? 2000। एग्जाम्पल के तौर पर अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है कि सर 2000 2000 बराबर हो गए तो ये फिर ऊपर क्यों उड़ेगा? क्योंकि बेटा ये तो अब भी 2000 ही रहेगा, क्योंकि वी आर और डीएम बाई डी टी नहीं बदलने वाला है। पर यहाँ पर सोचो, ये तो आपका जो भार है ना, ये जो द्रव्यमान है ये तो कम होता जाएगा। ये देखो कुछ देर में जो तुम्हारा द्रव्यमान है रॉकेट का, वो क्या होता जाएगा? कम। तो ये भार क्या होता जाएगा? कम। ये 2000 का थोड़ी देर बाद 1900 भी रह जाएगा, थोड़ी देर बाद कितना रह जाएगा? 1800। फिर कितना रह जाएगा? 1500। नोटिस करो, आपने ऊपर कितना देखा? 2000। नीचे तो कम होता गया ना, तो नेट बल कहाँ लगेगा? ऊपर की ओर। और ये क्या करने लग जाएगा फिर बाद में? त्वरित होने लगेगा। अंडरस्टूड? क्लियर? बात समझ में आ गई? अब इसमें और क्या वेराइटीज आ सकती है? तो वाकई में आप ध्यान से समझ रहे हैं यहाँ पर, तो क्वेश्चन तो यही रहेगा। जैसे पहला प्रश्न मैंने क्या बना लिया कि यदि इसके भार को संतुलित करना है तो आपका क्या काम है? त्वरण को क्या कर देंगे? जीरो। पहली बात। दूसरा, मैं अगर आपसे कह दूं कि साहब मैं रॉकेट को उड़ान भरवाता हूं, पर मैं उड़ान भरवाता हूं गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में। कहां पे? गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में। तो गुरुत्व मुक्त क्षेत्र का मतलब हो गया कि जी का वैल्यू जीरो, तो ये भाई साहब हो जाएंगे जीरो। फिर आप क्या लिखेंगे सर? वी आर डी एम बाई डी टी बराबर एम। तो संतुलित करने के केस में ये जीरो और गुरुत्व मुक्त क्षेत्र में ये जीरो। और अगर मैं ये भी बोल दूं कि रॉकेट के भार को नगण्य मान लो, तो भी आप इसको क्या मान लेंगे? जीरो। डिपेंड करेगा प्रश्न क्या बनाता है। ओके, तो अब हम अगर मैं कह दूं आपसे कि अगर रॉकेट के भार को ही नगण्य मान लो, मान लीजिए मैंने कह दिया आपसे, क्योंकि उसका भार काफी कम था, सोचिए ये तो 10 ही हो गया, 10,000 हो। तो मैं अगर आपसे प्रश्न में कह दूं कि इसको नगण्य मान लो, तो आपको बोला गया प्रश्न में, इंस्ट्रक्शन दी गई, तो आपको मानना पड़ेगा। यस और नो? हो सकता है इसका मान बहुत ज्यादा हो, तो भार को नगण्य माना है,
द्रव्यमान को नगण्य नहीं माना है, किसको माना है, भार को, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया। आप तो ऐसे समझो कि जी की वैल्यू बोल दिया क्या कि जीरो मान लो, तो फिर हम लोग ये बात करें, ठीक है। अब एक प्रश्न लिखते हैं, इसका स्टेटमेंट लिखते हैं प्रश्न का, ताकि आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियरिटी आए, ठीक है। पहले प्रश्न लिखते हैं, समझेंगे हम लोग। लिखिएगा, 1000 किलो का एक रॉकेट, स्टेटमेंट लिखे मेरे साथ में सभी लोग, 1000 किलो का एक रॉकेट, 1000 किलोग्राम का एक रॉकेट को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर, को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उड़ान भरने के लिए, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर उड़ान भरने के लिए प्रति सेकंड निष्कासित गैसों के, प्रति सेकंड निष्कासित गैसों के द्रव्यमान, प्रति सेकंड निष्कासित गैसों के द्रव्यमान का न्यूनतम मान क्या हो, का न्यूनतम मान क्या हो यदि यदि गैसों की रॉकेट के सापेक्ष, यदि गैसों की रॉकेट के सापेक्ष निष्कासन चाल, यदि गैसों की रॉकेट के सापेक्ष निष्कासन चाल 1200 मीटर प्रति सेकंड है, 1200 मीटर प्रति सेकंड, ओके। अब यहां पे देखिए, थोड़ी सी मैंने लैंग्वेज बदली है, अब आप उसको क्रैक कीजिए, समझिए। अच्छा, यहां पर जी का मान 10 लेके काम करेंगे आप लोग, ब्रैकेट में लिख लें स्मॉल जी की वैल्यू क्या है, 10। स्मॉल जी की वैल्यू क्या लेंगे आप, 10 लेकर काम, ओके गुड। तो एक बार हम लोग डेटाज ले, एम नोट कितना दे रखा है शुरुआत में, 1000 किलोग्राम, वेरी गुड। अच्छा, और आपको डीएम बाई डी टी निकालना है, ठीक है। वी आर की वैल्यू 1200 मीटर प्रति सेकेंड। अच्छा बेटा, जी का वैल्यू क्या दे रखा है, 10। अब आप बात को समझिए, अभी थोड़ी सी देर पहले मैंने आपको समझाया था कि मुझे इसको उड़ान भरवानी है ना, तो अभी आपको एक प्रश्न में बताया था कि संतुलित करने के लिए, और इस बार मैंने संतुलित करने की जगह पे क्या बोला कि न्यूनतम कितना ले, तो मैं कहूंगा कि यदि आप इस बल को इसके भार के बराबर कर दोगे एक मोमेंट के लिए, तो संतुलन हो जाएगा, और फिर उसके बाद तो खुद ये उड़ान भर लेगा। क्यों कर लेगा फिर बाद में उड़ान, क्योंकि ये वाला धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा कम, हाँ या ना, समझ में आई बात। तो मुझे करना क्या है यहाँ पे, मुझे यहाँ पे क्या करना है, ऊपर कौन सा बल लग रहा है, वी आर डीएम बाई डी टी, उसका न्यूनतम मान कितना लू, कम से कम मुझे इसके भार को संतुलित करना। अगर मैं इसके भार को संतुलित कर लिया एक बार, तो उसके बाद तो फिर धीरे धीरे क्या हो जाएगा, इसकी वैल्यू तो सेम रहेगी पर ये क्या होता जाएगा कम, और ये बाद में उड़ान भरेगा, हाँ है ना। तो आप बताइए वी आर की वैल्यू कितना है बेटे, 1200, और ये कितना हो गया डीएम बाई डी टी, एम नोट की वैल्यू कितनी है 1000, और जी का वैल्यू कितना है 10। तो यहाँ से अगर आप डीएम बाई डी टी का वैल्यू निकालते हैं तो 100/12 आ जाए, चेक कर सकते हैं आप, और 100/12 को सॉल्व करेंगे तो 8, या ठीक है हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं 3, 25/3 लिख देते हैं, ठीक है, और ये आ जाएगा साहब आपका किलोग्राम प्रति, क्योंकि एक मोमेंट के लिए तो क्या रहेगा, बैलेंस हो गया, और उसके बाद में क्या करने लग जाएगा, वो उड़ान भरने लग जाएगा, क्योंकि उसका द्रव्यमान क्या होते जाएगा कम होते, यस और नो, ओके गुड। आगे बढ़ते हैं इसी में, एक और डाउट आया है, ऑनलाइन वाले बच्चे ने पूछा है, तो डिस्कस सभी के लिए करते हैं। उन्होंने पूछा है कि सर ये जब त्वरित होगा तो फिर ये वेग नियत क्यों रहेगा, तो बेटा ये जो वेग है ये किसके रेस्पेक्ट में है,
रॉकेट के रेस्पेक्ट में। तो चाहे रॉकेट त्वरित हो, पर आप तो रॉकेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हो ना, तो ये वेग किसका है? निष्कासित गैसों की चाल है। किसके रेस्पेक्ट में? रॉकेट। इसलिए ये वाला वैल्यू हमेशा क्या रहने वाला है? कॉन्स्टेंट रहने वाला है ना। तो ये वाली वैल्यू भी कॉन्स्टेंट रहने वाली है और ये वाली वैल्यू भी क्या रहने वाली है? कॉन्स्टेंट। ऐसा हम लोग यहाँ पे कर। हाँ बेटे, हाँ ये चेंज होगा बेटा, पर हम जब लिखते हैं तो हमें शुरुआत की बात करनी है ना। अगर शुरुआत में एक बार बैलेंस कर दिया, कब? जब आप रॉकेट को क्या करने वाले हो? उड़ान भरने वाले हो। तो अगर एक बार बैलेंस हो गया शुरुआत में, तो फिर ये तो बाद में कम ही होता जाएगा। हाँ, ये क्यों लिखा? क्योंकि ये जब इक्वेशन लिखी तो मैंने टी बराबर जीरो की, कहाँ की लिखी थी? टी बराबर जीरो की। अगर मैं इसको बाद की लिखता किसी मोमेंट की, तो फिर मैं यहाँ पे क्या कर देता? एम। और यहाँ पे भी क्या कर देता? एम। तो नॉर्मली आपसे क्या पूछा जाता है? नॉर्मली आपसे शुरुआत की कंडीशन पूछी जाती है। तो ये जो कंडीशन हमने एम नोट के साथ में लिखी थी, वो कब की लिखी थी? टी बराबर जीरो की। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। ऐसे प्रश्नों की लैंग्वेज को आप समझ लेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न एक और लिखते हैं यहाँ पे। स्टेटमेंट लिखिएगा, क्वेश्चन में बोलता हूँ, सभी को लिखना है। ओके, लिखते हैं प्रश्न, स्टार्ट करें। लिखिएगा, किसी रॉकेट प्रणोदन के लिए, किसी रॉकेट प्रणोदन के लिए, किसी रॉकेट प्रणोदन के लिए निष्कासित गैसों का, किसी रॉकेट प्रणोदन के लिए निष्कासित गैसों का रॉकेट के सापेक्ष, रॉकेट के सापेक्ष वेग का मान, रॉकेट के सापेक्ष वेग का मान 1500 मीटर प्रति सेकंड है। 1500, 1500 मीटर प्रति सेकंड है। यदि यदि रॉकेट का द्रव्यमान, यदि रॉकेट का द्रव्यमान 800 किलोग्राम हो, यदि रॉकेट का द्रव्यमान 800 किलोग्राम हो एवं रॉकेट को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर एवं रॉकेट को 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण से, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण से ऊपर उठाना हो, 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के प्रारंभिक त्वरण से ऊपर उठाना हो, तो ईंधन के खपत की दर क्या होगी? तो ईंधन के खपत की दर क्या होगी? जब प्रारंभिक बोल दिया, मतलब आपको टी बराबर जीरो की बातें करती। आगे आंसर। अच्छा, जी का वैल्यू आप 10 लेकर काम करेंगे, है ना? हाँ, जी का वैल्यू 10 ले लेंगे, क्योंकि अभी तो जमीन पे है वो, है ना। वेरी गुड। ये हमारे पास में फॉर्मूला है, वी आर की वैल्यू कितना दिया आपको? 1500। तो बेटा आपने लिख दिया 1500। और डीएम बाई डी टी आपसे पूछा है। एम नोट की वैल्यू कितना दिया? 800। जी का वैल्यू 10। यहाँ पे क्या लिखोगे? 800 गुणा। सिंपल सा क्वेश्चन है, वैल्यू रखनी है और जवाब देना है। डीएम बाई डी टी, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बेटा? ये 800 उधर गया, तो 800 गुणा 15 लिख सकता हूँ मैं इसको, है ना। और 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। और अगर आप देखते हैं तो आपको ये जवाब मिल जाता है 1 किलोग्राम प्रति, ठीक है। ऐसा हम लोग बोल सकते, हो जाएगा ना। ओके गुड।
इसी में सेकंड पार्ट, इसी क्वेश्चन में आगे सेकंड पार्ट की बात। देखें आप सेकंड पार्ट कितना अच्छे से स्मार्टली सॉल्व करते, क्योंकि देखो ज्यादा ट्विस्ट नहीं आने वाला। नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताऊं कि क्वेश्चन की जो फॉर्मूला है ना, इसमें जब इस तरीके का दिखता है तो कई बच्चे तो यहीं से डर जाते हैं, और वाकई में क्वेश्चन बहुत आसान होता है, कुछ भी नहीं। वी आर की वैल्यू दी जाती है और आपको वैल्यू रखी, सॉल्व किया, आंसर आ गया। इसी में आपको क्या बताना है, सेकेंड पार्ट लिख ले। यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहे, यदि जी का मान 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहे, मतलब मैंने प्रश्न में बोल दिया कि आपको जी का मान बदलना नहीं है, है ना, क्योंकि हमें पता है ऊंचाई पर जाने पर जी का मान तो क्या होता जाएगा, बदलता जाएगा, है ना। पर हमने बोल दिया कि साहब जी का मान आपको 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर ही रहे, एवं एवं ईंधन के खपत की दर, एवं ईंधन के खपत की दर तथा तथा निष्कासित गैसों की चाल, निष्कासित गैसों की चाल यथावत बनी रहे, निष्कासित गैसों की चाल यथावत बनी रहे, तो निष्कासित गैसों की चाल यथावत बनी रहे तो तो 20 सेकंड के पश्चात, तो 20 सेकंड के पश्चात रॉकेट का त्वरण क्या होगा, तो 20 सेकंड के पश्चात रॉकेट का त्वरण क्या होगा। और डेटास कहां से उठा रहे हैं तुम्हें, इसी प्रश्न से, है ना, मतलब इसी का सेकंड पार्ट है ये। रॉकेट का त्वरण क्या होगा, करिए जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बेटा सभी का, ओके वेरी गुड, ओके सभी का आ गया। चलो देख समझते हैं। अब आपको यहां पर सिर्फ इतना सा ध्यान रखना था कि जब आप t बराबर 20 सेकंड बोला ना आपको, तो t बराबर 20 सेकंड पर आप देखेंगे तो द्रव्यमान जो है वो कम हो जाए, m नॉट माइनस म्यू टी हो जाए, और m नॉट शुरुआत में कितना दिया था मैंने 800, और म्यू का वैल्यू आपने निकाला था 8 और 20, तो ये हो जाएगा बेटा 800 माइनस 120 सॉल्व करना, तो ये आ जाएगा 680। द्रव्यमान कितना रह गया, हाँ या ना, हाँ अरे वाह वेरी गुड, सो स्मार्ट, है ना, ये लिखा है ना मैंने, तो 640 आ जाएगा, ओके गुड। बाकी चीजें तो बदल नहीं रही है, तो बताओ वीआर की वैल्यू क्या थी 1500। बेटा डीएम बाई डी टी कितना आया था, 8 आया था ना, बस वही रखना। एम की वैल्यू क्या रखेंगे, 640 गुणा 10, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 640 गुणा 8। क्या आपने नोटिस किया कि तोरण धीरे धीरे बढ़ने लग गए, पहले तोरण कम था अभी तोरण ज्यादा हो गया। अब इसकी वैल्यू निकालिएगा तो ये जाएगा 15 और 8 120 00, और इसको सॉल्व करना तो आप कहें तो मैं माइनस भी कर देता हूँ, या आप कर लोगे, कर लोगे ना, कर लिया सभी ने, ओके 6 और 11 में से 6 गया जो 5,
और नीचे किसे भाग देना है 640 से, स्मॉल ए की वैल्यू खत्म खत्म। और आप यहाँ पे चार से भाग दे सकते हैं, तो ये आ जाएगा चार एकम चार, चार चौका 16 जीरो, और ये आ जाएगा 16 पक्का। और सॉल्व कर सकते हैं आगे, चार से एक और बार भाग दिया जा सकता है, चार दिया 12, चार पंजे 20, चार ओके। और भी आप आगे कैंसिल आउट कर सकते हैं, है ना, और 8.7 समथिंग है ना, ये हमारे पास में आंसर आ जाए 8.7 डबल डिजिट तक आप चाहें तो आंसर दे दे। पर हाँ, इसमें सीखने की बात क्या थी हमारा कि द्रव्यमान भी कम हो रहा, और जैसे जैसे द्रव्यमान कम हो रहा वैसे वैसे त्वरण बढ़, ये हम कहना कर लेंगे। गुड, नोट कर लीजिए, फिर आगे डिस्कशन करते हैं। अब देखिए बेटा, एक बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, उसको मैं डिस्कशन करा, मिटा दूं इसको, नहीं मिटाए, एक ही बार लिखना है सभी को, ठीक है ना। कुछ बच्चे यहीं पे रिवीजन करने लग जाते हैं, डबल लिख लिया कि चलो ये रिवीजन कर लिया, कुछ बच्चों की कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी तो वो अपनी कैलकुलेशन मिस्टेक को एक बार और देख ले। अच्छा बेटा, कल हमने क्वेश्चन किया था, उसको हम लोग वापस से यहाँ पर एक नए तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। आपने क्वेश्चन किया था, एक द्रव्यमान था m और v वेलोसिटी से आया था, यहाँ पे टकराया था, लोट कर गया था, यहाँ पे कोण बना था थीटा, और अगर मैंने आपसे यहाँ पे संवेग में परिवर्तन पूछा था तो आपने जवाब दिया था 2mv को, आया ना। अच्छा, कल एक जलधार का प्रश्न भी किया था, तो पानी मारा था, पानी आया, है ना, एक बल निकाला था। पर आज हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी जलधार को यहाँ पे गिरा रहे हैं इसी पर, और हम लोग यहाँ पर जो है उसके संवेग में परिवर्तन के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, इनफैक्ट हम लोग बल निकालना चाहते हैं। तो देखिए साहब, हुआ क्या, हमारे पास में यहाँ पे एक होस पाइप समझते, एक पाइप समझ लीजिए, और इस पाइप से हम लोग क्या कर रहे हैं, इस पर पानी मार रहे हैं। डेफिनेटली पानी की जो है स्पीड बहुत ज्यादा है, इसलिए वो जो है यहाँ पे बिखरने वाला नहीं है, वो लगातार एक ही साथ में चलेगा। तो पानी यहाँ पर आएगा, इस तरीके से टकराएगा, और क्वेश्चन में दे रखा है तो आपको जो क्वेश्चन में बोला हुआ है उस बात को मानना होता है, ये रूल होता है पहला। कई बच्चे वहाँ पे भी अपना दिमाग लगा लेते हैं कि ऐसा कैसे होगा, तो जो क्वेश्चन में दिया है वो मानना होता है। क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि पानी टकराया और ऐसे लौट कर चला, कई लोग कहते हैं ऐसे कैसे लौटता है, पर हमने बोला है तो आपको मानना है, ओके, इस तरीके से लौटता है। और साहब वो आया वी वेग से, कितने से आया, वी वेग, और वापस वी वेग से टकराकर लौट गया, और यहाँ पे कोण दे रखा है थीटा, ये देखो लगभग लगभग मिलती जुलती सी बात, पर वहां का जवाब, वहां पे डेल्टा पी निकाला था हमने, ओके। अब यहाँ पे आपको कुछ और बातें दे रही, ये जो पाइप है साहब, ये पाइप है हमारे पास, है ना, ये पाइप का क्षेत्रफल दे रखा है, ये पाइप है, आप हिंदी में लिख लेना पाइप, उसका क्षेत्रफल क्या है, मान लेते हैं उसका क्षेत्रफल है कैपिटल ए, ओके। और ये जो हमारे पास में लिक्विड है जो भी है, इसका घनत्व भी आपको दे रखा है, और घनत्व की वैल्यू दे रखी है 2, कितना दे रखा है 2, ओके। तो ये क्षेत्रफल दे रखा है और घनत्व की वैल्यू दे रखी है 2, और ये आता है टकराता है, आपको बताना है कि दीवार पर आरोपित बल बताइए, दैट इज अवर क्वेश्चन, कि दीवार पर इस जलधार ने या जो भी ये लिक्विड है उसने कितना बल लगाया है, उसको आपको कैलकुलेट करना, ठीक है। अब मैंने आपको पिछली क्लास में ही बताया था कि जब भी जलधार के प्रश्न आते हैं तो हम लोग वहां पे Vdm by dt का फॉर्मूला यूज करते हैं, तो आपको सबसे पहले तो यहाँ पे dm by dt को निकालना होगा, और dm by dt कैसे निकालेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप लिखेंगे d by dt, और v का m का मतलब हो गया वॉल्यूम, आयतन गुणा घनत्व लिखेंगे, तो ये मैंने लिखा dm by dt को, मैंने क्या लिखा, आयतन गुणा घनत्व। dm by dt का मतलब क्या है, द्रव्यमान के प्रवाह की दर, पाइप के अंदर से पानी किस रेट से बह रहा है, या जो भी लिक्विड है वो किस रेट से बह रहा है,
हम लोग कहेंगे यहाँ पे प्रवाह की दर है ये, बेसिकली प्रवाह की दर, तो उसको हमने निकाला। तो डी वॉल्यूम और गुणा डेंसिटी लिख देंगे। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, तो आप ये जो पाइप देख रहे हैं सिलेंड्रिकल होता है, कैसा होता है सिलेंडर, कोई भी पाइप होगा सिलेंड्रिकल ही होगा, उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और मान लीजिए उसके अंदर पाइप में पानी एल लंबाई तक आगे गया, तो कितना वॉल्यूम कवर किया, एरिया गुणा लंबाई, और गुणा क्या लिखेंगे घनत्व, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे डीएम बाई डी टी निकालने जाऊंगा तो आपको एक बात समझ में आती कि एरिया और घनत्व तो कॉन्स्टेंट है, तो ये तो आ गया साहब बाहर, और अंदर बच गया डीएल बाई डी टी। इस डीएल बाई डी टी को समझिए, डी टी समय में जो पाइप है उसके अंदर पानी ने एल लंबाई कवर, या समझिए डी टी समय में कितनी लंबाई कवर की डीएल, तो ये जो डीएल बाई डी टी है ये हो गया दूरी कवर की गई प्रति एकांक समय, और ये क्या बन गई चाल। तो डीएम बाई डी टी को अगली बार से आप लिख सकते हैं ए रो बी, बी फॉर व्हाट हियर चाल, किसकी चाल, वो जो भी लिक्विड आ रहा उसकी चाल को। तो डीएम बाई डी टी कितना आ गया ए रो, हाँ या ना, यहां तक समझ में आया, कोई तकलीफ वाली बात यहां तक नहीं होनी चाहिए, ये हमने लिखा। अब यहाँ पे बेटा ध्यान से देखिए, थोड़ा सा इसके साथ में आपको कंपैरिजन करना है, यहाँ पे संवेग में परिवर्तन क्या आया था 2 mv cos थीटा, थोड़ा सा यहाँ से कनेक्शन मिटाते हैं, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ डेल्टा टी, क्या आ जाएगा बल आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ पर इससे हम लोग कनेक्शन बनाते हैं इसका, तो यहाँ पे मैं एफ को लिखूंगा तो बोलो क्या लिखूंगा डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, वैसे यहाँ पर लिखूंगा तो ये तो 2 mv cos थीटा था, इसको किससे भाग दे दूंगा टी से, क्योंकि यहाँ पे मैं एम लेकर चल रहा हूँ, तो यहाँ पे भी मैंने टी ले लिया। इसको थोड़ा सा लिखने की कोशिश करूंगा तो ये आ जाएगा एम बाई टी, और यहाँ पे आ जाएगा वी कॉस थीटा, एम बाई टी का मतलब वही है जो यहाँ पे डी एम बाई टी, द्रव्यमान कितना बहता है प्रति एकांक समय, हाँ या ना, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 m/t वी कॉस थीटा, और क्या आपको इस एम बाई टी की वैल्यू पता है कितनी है रो ए वी, है ना। तो यहां से हम एक्चुअली उसके साथ में कनेक्शन बना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे कुल मिला के एक बॉडी आ रही थी, यहाँ पे बॉडी की जगह पे क्या आ रहा है लिक्विड आ रहा है, और लिक्विड के अंदर भी तो द्रव्यमान है, तो अगर मैं यहाँ पे बल लिखता हूँ तो देखिए वहीं से लिखता हूँ 2, और यहाँ पे क्या लिखूंगा बच्चे डीएम बाई डी टी उसकी जगह पे, और साथ में क्या लिख दूंगा वी कॉस, हाँ या ना, उससे साथ में कनेक्शन रखेंगे तो हमें आइडिया अच्छा रहेगा, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला तो पता है 2 mv cos थीटा, उसको किसे भाग दे दिया टी से, तो क्या आ गया एम बाई टी को मैंने क्या लिख दूंगा रो ए वी, ये देखो रो ए वी या ए रो वी, कई जो बच्चे वी रो ए जो आपको अच्छा लगता है, जो अच्छा मुझे क्या अच्छा लगता है रो ए वी, तो आप भी तुम रो ए वी अच्छा याद कर सकते हो, तो यहाँ पे लिखेंगे 2, और यहाँ पे क्या लिखेंगे रो ए वी, और यहाँ पे क्या लिखोगे बताओ वी कॉस थीटा, तो जवाब क्या आया बताओ, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 rho a v square cos थीटा, ये हमारा 2 rho a v cos, है ना। एक बार और कनेक्शन बिठा लीजिए उधर से, बेटर है यहां से याद रखें, क्या किया दोबारा से सुन लो, यहां से तुमने याद किया था 2 mv cos थीटा तो आया, पर वो था संवेग में परिवर्तन, किससे भाग देना समय से, तो बेटा वहां पे क्या आ गया 2 mv cos थीटा बटा टी एम बाई टी, वही यहाँ पे आप द्रव्यमान के प्रवाह की दर कहते डीएम बाई डी टी, डीएम बाई डी टी उसको क्या लिख दिया तुमने 2 rho a v, ओके। तो यहाँ पे 2 rho a v V cos है, क्या आंसर आ गया 2 rho a v square cos, हाँ या ना। अगली बार से क्या ट्विस्ट आ सकता है, यहाँ का एंगल थीटा नहीं दे और यहाँ का एंगल थीटा दे देगा तो साइन थीटा, ओके ऐसा कर सकते हैं। और सोचिए यहाँ पे पानी को सोचिए, आपको याद है इसको ऐसे फेंक कर वापस ऐसे आ जाता तो 2 mv लिखते थे, पर यहाँ पे प्रैक्टिकली ऐसा पॉसिबल नहीं है कि पानी जाएगा फिर आएगा किधर से, तो नॉर्मली ऐसा केसेस नहीं बनाते यहाँ पे, थोड़ा सा कम से कम थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी रखते हैं। चलिए तो ये आपको जरूर जरूर लिख लेना चाहिए, बाकी चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट क्लास में, कुछ होमवर्क में आपको दे देता हूँ। ओके तो हम यहाँ पे होमवर्क थोड़ा सा लिख लेते हैं, आपको एक्सरसाइज 1 में काम करना चाहिए, काम करते हो तुम लोग,
ये ऐसे टाइम पास करते रहते हैं यहाँ से। बहुत 1 से 38। वैसे तुम्हें कुछ क्वेश्चन तो पहले भी दे रहे हैं, है ना। एक्सरसाइज 2 में भी कुछ क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 5, ओके, क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। ये आप लोग होमवर्क कीजिएगा और बिगिनर बॉक्स आप रहने दीजिए। आज बिगिनर बॉक्स 2 की जगह पे एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 2 में ये क्वेश्चन कर लीजिए। बाकी चर्चाएं करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ओके। थैंक यू। आप बाहर आ जाइए, कोई डाउट है तो पूछिए।